नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और द मसला में। मसला आज है भारत बंद। आपको पता है किसानों ने ऐलान कर रखा है आज के दिन यानी कि 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। और आपको पता है क्यों कर रखा है? तीन अध्यादेश के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, इस पर हम आपको बताएंगे। दूसरा, आज चौधरी देवीलाल की जयंती है, उनको हम शत शत नमन करते हैं और उन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ किया था। आगे बात करेंगे कि पंजाब में अब सांसदों का भी विरोध हो रहा है, खासकर जो स्टार सांसद हैं, जो संसद में पहुंचे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। और अगली जो बात है वो ये कि हरियाणा में कई पूर्व विधायक भी इकट्ठे हुए हैं किसानों के समर्थन में, उन्होंने अपनी बात कही है। चलिए अब आते हैं कि आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर पहले दो नंबर पर ये ट्रेंड कर रहा है। पहले नंबर पर भारत बंद ट्रेंड कर रहा है और दूसरे नंबर पर स्क्रैप एंटी फार्मर एक्ट जो है ये ट्रेंड कर रहा है। यानी कि पहले दो नंबर पर सोशल मीडिया पर भारत बंद और ये बिलों को लेकर ये ट्रेंड चल रहा है। बेशक ज्यादातर मीडिया ये आपको ना दिखाए या किसानों की खबर आज ना दिखाए, भारत बंद आज ना दिखाए, क्योंकि ज्यादातर जो मेन मीडिया है वो आज भी मुंबई में बिजी है। हो सकता है वो आज आपको दीपिका पादुकोण दिखाए, सारा अली खान दिखाए, रकुल प्रीत सिंह या दूसरे लोग वो आपको दिखाए जाएं। लेकिन आज हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर हिस्सों में ये जो भारत बंद है ये कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बाजार बंद दिखाई दे रहे हैं, हमें खबरें आ रही हैं, हमें वहां से फोटोज आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि कई इलाकों में जो बाजार हैं वो बंद हैं और जो किसान हैं या किसान जथेबंदियां हैं, किसान संगठन है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बाजारों में अपना मार्च निकाल रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं एक जगह पर वो इकट्ठे भी हो रहे हैं। जिंदाबाद, ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किसानों ने तीन अध्यादेश के विरोध में, चाहे वो जनसभा रैली की हो या रोड जाम किया हो या ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया हो, लेकिन अब आफ्टरऑल भारत बंद का ऐलान किया गया। क्या इस भारत बंद के बाद क्या तीन अध्यादेश जो हैं वो वापस होंगे? ये जो कानून है वो वापस होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये जो किसानों की जो एकता है या किसान आज भारत बंद जो कर रहे हैं, क्या इसका असर और इसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक भी पहुंचेगी और क्या दोबारा से कंसिडर किया जाएगा? क्या भारत सरकार दोबारा से इस पर विचार करेगी और जो किसानों की मांग है क्या उसको मेंशन किया जाएगा तीन अध्यादेश में या एक नया अध्यादेश लाया जाएगा? यह खैर आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो किसान है अब वो सांसदों का भी विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बिलों के समर्थन में यानी वोट दिया है। अब उसमें कई सांसद भी हैं और कई और सितारे भी हैं, जैसे पंजाब से सनी देओल है या फिर हंसराज हंस हैं या फिर दलेर मेहंदी है, इनका भी सोशल मीडिया पर यानी कि इनका भी विरोध किया जा रहा है। और वहीं दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कई पूर्व विधायक इकट्ठे हुए हैं, इसमें ज़्यादातर इस समय बीजेपी में वो हैं, उनमें से कुछ लोगों ने चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, लेकिन वो पूर्व विधायक हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी बात कही है। और उस बात को अब सुना भी जा रहा है कि जो प्रदेश का जो बीजेपी का हाईकमान है, सुना है कि उन लोगों ने उन पूर्व विधायकों में से कुछ लोगों को बुलाया है, उनकी बात सुनी है। इन पूर्व विधायकों का कहना है कि जो तीन अध्यादेश आ रहे हैं इनमें जो किसानों की डिमांड है या MSP की जो बात कही जा रही है उसको मेंशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? ये जो भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से, इसका कितना असर आपके इलाके में है
क्या कुछ वहां पर चल रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। धन्यवाद, नमस्कार।